ज्ञान, इधर देखो, हाय करो, हाय। बैट बॉल खेल रहा है, आता है खेलने? दिखाओ तो कैसे खेलता है। हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। ज्ञान है, इसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। आज ये बैट बॉल खेल रहा है, देखिए। ऐसा कि आप लोग कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा, ये वो नहीं कर पाएगा। इसे हर चीज़ ला कर दीजिए, ये ज़रूर खेलेगा, खेलने की कोशिश करेगा। देखिए, हाँ थोड़ा सा बहुत इसे हाथ से पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करता है। अभी एक हाथ ये ज़्यादा यूज करता है, लेकिन खेलने के चॉइस से ये दूसरे हाथ का भी यूज करता है। देखिए किस तरह से पकड़ा हुआ है इससे बैट को। बोल दे बेटा, अच्छा से मारना, देखो दोनों हाथ से पकड़ना, ठीक है? देखो बॉल जा रहा है तुम्हारा, अरे लग गया। आराम से घोड़ा बन के, घोड़ा बन के। तो ये इस तरह से बैट बॉल खेलता है अपने पापा के साथ। देखिए किस कितनी अच्छी तरह से। चलो अब ये एक रन ले लिया है, भागो वापस, चलो वापस, चलो घोड़ा बन के जाना है, आराम से, ज़्यादा हिलना नहीं है। दूसरा चीज करके दिखाते हैं, खेला हो गया तुम्हारा, ओवर कर दो, अब आउट हो गया तो हट जाना, ये तुम्हारा लास्ट बॉल है। अरे अभी भी आउट नहीं, ये क्या, ये तो इतना अच्छा से खेल रहा है, जल्दी आउट कीजिए इसको, जल्दी आउट कीजिए, फिर ये हटेगा। आउट हो गया, चलो ज्ञान आउट हो गया। ज्ञान हाय किया तुम, कौन जीता? आराम से टाइट होके खड़ा रहो। ये देखिए, मैंने बाबू के लिए एक सीपी चेयर बनवाया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। इस पर मैं बाबू को बैठाकर खाना खिला सकती हूँ या बैठाकर इसे छोड़ सकती हूँ। इस पर बैठने से बाबू जो है पूरी सीधी सरह से बैठता है और अपने आप को कंट्रोल रखता है। ये देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है बाबू के लिए, इसमें गिरने का भी डर नहीं है। इस तरह से इस पे हम आराम से बच्चे को बैठाते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं, उसे खेलने के लिए भी कुछ सामान दे देते हैं या पढ़ने के लिए कुछ दे देते हैं, वो लिखता है इस पर बैठ के। ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चे के लिए। देखिए, मैं इसे ज्ञान को इसमें बैठा कर दिखाती हूँ आप लोगों को। हाय, ये देखिए ज्ञान को इसमें मैंने बैठा दिया है इस तरह से। इस पे एक पीछे से बांधने वाला है, अगर बच्चा आपके आगे की तरफ झुकता है तो इससे नहीं झुक पाता है आराम से। और इस पे सबसे अच्छा ये है कि इस पे हम बच्चे को कहीं भी बिठा के इसे थोड़ी देर के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें गिरने का बच्चे का डर नहीं है। इस तरह से देखिए, इस पे अगर हम कुछ रख देते हैं इसे खाने के लिए तो उठा के खा भी पाता है। सीधा करो गर्दन बेटा, और इससे इसका बॉडी भी कंट्रोल रहता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है इस तरह के बच्चों के लिए। बाबू सीधा रहो, इस पे कोई टॉय भी हम रख देते हैं तो बच्चा हमारा आराम से इसे उठाता है, खेलता है। देखो बेटा खेल के दिखाओ, उठाओ बॉल को, बॉल पकड़ के ऊपर की ओर उठाओ, गर्दन सीधी रखो। ये देखिए बाबू मेरा इस तरह से बॉल भी पकड़ता है, इस पे खेलता है। नीचे करो बॉल को, ये देखिए इस तरह से हम बच्चे को कुछ खाने के लिए भी इस पे रख सकते हैं और ये उठाकर खा लेता है आराम से। खा लिया? इस तरह से मैं इसे कुछ खाने के लिए भी प्लेट में दे देती हूँ तो ये बैठकर आराम से कुछ कोशिश करता है, उठाकर खा पाता है आराम। जब से मैंने ये चेयर लिया है मुझे बहुत ही हेल्प हुआ है। अगर आप लोगों को भी ये चेयर हेल्पफुल लग रहा है तो आप भी अपने बच्चे के लिए बनवा सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। इस पे बच्चा आराम से बैठता है और इसका बॉडी भी पूरा सीधी तरह बैठ पाता है। इस तरह से पैर सीधा करो बाबू, या पैर पे के पास भी बांधने वाला है, इसे भी हम बांध कर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कोई खिलौना भी रख देते हैं इसके आगे में
तो ये अपने हाथों को चलाता है, इसे खेलने की कोशिश करता है। ये रिंग है, ये बाबू के हैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे रख देती हूँ, इसे पकड़े रहती हूँ, एक एक करके निकालता है। ये अपने हाथ का यूज अच्छी तरह से कर पाता है। निकालो बेटा, चलो पूरा निकाल लो, आराम से, आराम से रखो, उस हाथ को नीचे करो। ये टॉय बच्चे के हैंड के लिए बहुत ही हैंड का एक्टिविटी होता है, इससे ये भी आप बच्चे के लिए ला सकते हैं। और इस तरह से कौन सा कलर है, कलर कौन सा है, कलर बताओ, ब्लू कलर है। चलो ये कौन सा कलर है, वाइट। चलो ये कौन सा कलर, ये देखिए ये एक स्टैंडिंग हमने बनवाया है बाबू के लिए, इसमें बाबू मेरा बहुत अच्छा से खड़ा हो पाता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये गेटर है, इसे पहनाकर हम बाबू को स्टैंडिंग में खड़ा करते हैं। इसे भी हमने बनवाया था, इसे पहनकर बच्चे का घुटना नहीं मुड़ता है, इसलिए इसे पहनकर खड़ा किया जाता है। ये देखिए हम इस तरह से पहनाते हैं इसे। देखिए ज्ञान कितनी अच्छी तरह से इस पे खड़ा है और इसे अच्छा भी लगता है। ये 30 मिनट तक खड़ा रह जाता है, इसे दिन में 3 बार मैं खड़ा करती हूँ और ये खड़ा रहता है। इसमें खड़ा होने से मेरा बाबू बहुत अच्छी तरह से सीधा खड़ा होने के लिए अब सीख रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और एक्सरसाइज के बारे में बताऊँ को किस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। बाय कर दो ज्ञान। बाय। और क्या करता है तू, जय हिंद कैसे करता है, कैसे करता है जय हिंद बोलो। जय जय हिंद जय भारत बाबू बोल रहा है। ठीक है, बाय बाय।